नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है, राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, रूस के कजान शहर में दुनिया के सामने एक तस्वीर आई जिसका इंतजार दुनिया को लंबे वक्त से था। ब्रिक्स सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हुई। 2020 में गलवान झड़प के बाद दोनों नेताओं के बीच ये पहली बायलेटरल मीटिंग थी। करीब एक घंटे तक चली मीटिंग में दोनों देशों के नेताओं ने सीमा सुरक्षा को लेकर तमाम मुद्दों पर बातचीत की। मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, हिंदुस्तान और चीन के बीच संबंध महत्वपूर्ण है। ये संबंध न सिर्फ दोनों देशों के लिए खास हैं, बल्कि दुनिया में शांति और स्थिरता के लिए भी अहम है। 5 साल बाद यह मुलाकात कई मायनों में खास है, लेकिन सवाल यह है कि कजान में दोनों नेताओं के बीच मुलाकात के पहले कैसे सकारात्मक माहौल बना। आज मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए यह दिखाने, बताने, समझाने की कोशिश करूंगा। कजान में हुए ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी थी। पूरी दुनिया यह देखना चाहती थी कि दुनिया में जारी तनाव को कम करने के लिए हिंदुस्तान क्या भूमिका निभा। दुनिया की नजर हिंदुस्तान पर क्यों है, इसे समझने के लिए कजान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच की मुलाकातों पर गौर करना होगा। हिंदुस्तान और रूस के बीच द्विपक्षीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन का ऐसा अंदाज देखने को मिला जिसे देखकर दूसरे देशों का जलना तय है। और द्विपक्षीय बैठक के दौरान पुतिन ने कुछ ऐसा कह दिया कि पीएम मोदी खिलखिलाकर हंसने लगे। पुतिन ने आखिर ऐसा क्या कहा, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए यह बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। रूस के कजान में ग्लोबल साउथ के दर्जनों नेता एक साथ बैठकर इकट्ठा हुए और इस समिट के लिए जरिए रूस दुनिया को अपनी ताकत दिखाना चाहता था और पश्चिमी देशों के खिलाफ लामबंद करने की कोशिश में था। जंग के बाद से रूस को अमेरिका और पश्चिमी देशों ने अलग थलग करने की कोशिश की। जानकार बताते हैं कि ब्रिक्स सम्मेलन उसी का जवाब था। ब्रिक्स के जरिए पुतिन ने पश्चिमी देशों को संदेश देने की कोशिश की, रूस अकेला नहीं है, ग्लोबल साउथ की दो सबसे बड़ी ताकत हिंदुस्तान और चीन से लेकर दुनिया भर के कई विकासशील देशों के रूस के साथ खड़ी। आखिर ब्रिक्स का कैसे बढ़ता जा रहा है दुनिया में दबदबा, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए यह भी दिखाऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं, नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। रूस के कजान से एक बड़ी तस्वीर पूरी दुनिया के सामने आई है। कजान में ब्रिक्स समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति के बीच मुलाकात हुई। इन दोनों नेताओं के बीच करीब एक घंटे तक बातचीत हुई है, तस्वीर आपके सामने। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर सहमति बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच 5 साल बाद यह बातचीत हुई है। दोनों नेताओं ने सीमा विवाद को जल्द से जल्द निपटाने, आपसी सहयोग, आपसी विश्वास को बनाए रखने पर जोर दिया और 2020 में गलवान झड़प के बाद
दोनों नेताओं के बीच ये पहली मीटिंग थी और ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई जब एक दिन पहले ही हिंदुस्तान और चीन ने पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर अपनी सेनाओं की तरफ से गश्त करने के समझौते पर सहमति जताई थी। ये 4 साल से चल रहे गतिरोध को खत्म करने की दिशा में एक बड़ी कामयाबी थी और इसके बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि रूस में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान दोनों देशों के नेताओं की मुलाकात हो सकती है और इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजरें थी। इस मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनवाना चाहता हूं। सुनिए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। एक्सलेंसी, सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। आज इन सभी विषयों पर बात करने का अवसर मिला है। मुझे विश्वास है कि हम खुले मन से बातचीत करेंगे और हमारी चर्चा कंस्ट्रक्टिव होगी। धन्यवाद। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पीएम मोदी जिनपिंग की मुलाकात पर विदेश मंत्रालय ने भी जानकारी दी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि मतभेद सही ढंग से हल हो। बैठक में दोनों देशों ने सीमा पर शांति और स्थिरता पर जोर दिया। अब दोनों देशों के विशेष प्रतिनिधि जल्द मुलाकात करेंगे, विदेश मंत्री स्तर की बातचीत होगी। लेकिन सवाल यह है कि कजान में इस मुलाकात से पहले कैसे बना सकारात्मक माहौल, राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो भी दिखाना चाहता हूं। स्क्रीन पर लगे एलएसी पर दोनों देशों के बीच तनाव कम पहले से हुआ है। भारत चीन पहले के हालात बहाल करने पर राजी हुए, तनाव के बावजूद बातचीत का सिलसिला जारी रहा और बातचीत के जरिए विवादों को सुलझाया गया और चीन ने अपना नया राजदूत भारत भेजा है। चीन के नए राजदूत ने भारत की तारीफ की। चीन के विदेश मंत्रालय ने भारत की तारीफ की, वीजा और व्यापार से जुड़े मुद्दों पर भी राहत दी। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ऐसे दौर में जब दुनिया में जंग की वजह से बटी हुई है, ऐसे वक्त में चीन के राष्ट्रपति और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की यह मुलाकात कई मायनों में बहुत खास मानी जा रही है, क्योंकि यह औपचारिक मुलाकात करीब 5 साल के बाद हुई है। इससे पहले 11 अक्टूबर 2019 को प्रधानमंत्री और जिनपिंग की मुलाकात हुई थी, लेकिन उसके बाद दोनों देशों में तलखी बढ़ गई। अब ग्लोबल मंच पर हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत को देखते हुए चीन हिंदुस्तान के सामने झुकने को तैयार नहीं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि रूस के कजान में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डंका बजा। एक कहावत है, तस्वीरें बहुत कुछ बोलती हैं। रूस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शानदार स्वागत से लेकर राष्ट्रपति पुतिन संग मुलाकात तक की जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो तस्वीरें बहुत खास हैं, जो लगातार मैं आपको दिखा रहा हूं। लाल मफलर में पीएम मोदी का अंदाज छाया हुआ है। पुतिन के साथ मुलाकात मानो कई संदेश दे रही हो। चाहे एक दूसरे से हाथ मिलाना हो या फिर तस्वीर डिनर टेबल की हो, रूस की एक एक तस्वीर दोस्ती की नई कहानी बयां कर रही। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 22 अक्टूबर को रूस के कजान 16वें ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंचे थे, तमाम दिग्गजों की नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन की जोड़ी पूरे ब्रिक्स में छाई रही। पीएम मोदी जब रूस पहुंचे तो उनका जोरदार तरीके से इस्तकबाल हुआ। भारतीय समुदाय
और रूसी नागरिकों ने बड़े गर्म जोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल किया। फिर पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति की मुलाकात हुई और दोनों बड़े नेताओं ने अच्छे दोस्त की हैसियत से एक दूसरे को गले लगाया, गर्मजोशी से मुलाकात की। और इसके बाद वो पल आया जब पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ऐसा कुछ कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खिलखिलाकर हंस पड़े। मैं वो तस्वीरें दिखाना चाहता हूं कि रूस के राष्ट्रपति ने ऐसा क्या कुछ कहा जब मोदी हंसने लगे थे। स्क्रीन पर दिखाइए। Our relations are so tight that I thought that you would understand me without translation. मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं ऐसा रूस के राष्ट्रपति ने क्या कहा कि प्रधानमंत्री इस तरीके से हंसने लगे जो आपने सुना। मैंने आपको दिखाया कि रूस के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफों के कसीदे पढ़ रहे थे और तारीफों के कसीदे पढ़ने के बाद में उन्होंने कहा था कि हमारे रिश्ते ऐसे, हमें किसी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं है। द्विपक्षीय वार्ता के दौरान पीएम मोदी हिंदी और राष्ट्रपति पुतिन रूसी भाषा में बोल रहे थे और दोनों नेताओं की बातों को रूसी और हिंदी में अनुवाद करने के लिए ट्रांसलेटर मौजूद थे। इसी दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने यह भी बात पीएम मोदी से कही, किसी से पूरी दुनिया रूस और हिंदुस्तान की दोस्ती के मिसाल की तरफ से देख रहे हैं। हिंदुस्तान रूस की गहरी दोस्ती को लेकर पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति से क्या कुछ कहा, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो बताना सुनवाना चाहता हूं। मैं आपकी मित्रता, गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मेरे लिए खुशी की बात है कि ब्रिक्स समिट के लिए कजान जैसे खूबसूरत शहर में आने का अवसर मिला है। इस शहर के साथ भारत के गहरे और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। कजान में भारत के नए कॉन्सुलेट के खुलने से ये संबंध और मजबूत होंगे। एक्सलेंसी, पिछले 3 महीनों में मेरा 2 बार रूस आना हमारे करीबी समन्वय और गहरी मित्रता को। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान और रूस के बीच के करीब को इसी बात से समझा जा सकता है कि पिछले 3 महीने में पीएम मोदी दूसरी बार रूस पहुंचे। इससे पहले जब पीएम मोदी जुलाई में रूस गए थे तो उन्होंने पुतिन को सलाह दी थी कि बम बंदूक और गोलियों से शांति संभव नहीं है। इसके बाद पीएम मोदी यूक्रेन के दौरे पर गए थे। पीएम मोदी ने जेलेंस्की से भी यही बात कही थी। दुनिया के किसी दूसरे नेता शायद ही रूस में पुतिन और यूक्रेन में जेलेंस्की को यह सब कुछ कहा। पीएम मोदी ने जंग को लेकर न सिर्फ जेलेंस्की बल्कि पुतिन को भी खरी खरी सुनाई। और इस बार ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम मोदी ने साफ साफ लहजे में कह दिया कि हिंदुस्तान कभी जंग का समर्थन नहीं करता है, लड़ाई का समर्थन हिंदुस्तान नहीं करता है। इसके बावजूद हिंदुस्तान और रूस के रिश्तों पर कोई असर नहीं पड़ा है। अब सवाल यह है कि आखिर रूस हिंदुस्तान का पक्का दोस्त क्यों है, यह पूरी दुनिया जानना चाहती है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इन दोनों की दोस्ती का राज क्या है। वैश्विक स्तर पर रूस ने हिंदुस्तान के हितों के खिलाफ कभी कोई काम नहीं किया है, चाहे पाकिस्तान के साथ 1971 की जंग हो या फिर 1999 का करगिल युद्ध हो, हर बार रूस ने हिंदुस्तान का साथ दिया है। रूस अब एशिया की ओर तेजी से रुख कर रहा है, चीन पर उसकी निर्भरता बढ़ रही है, लेकिन हिंदुस्तान की कीमत पर वो चीन के साथ नहीं जाना चाहता। दोस्ती की एक और मिसाल पाकिस्तान से रूस की दूरी है। पुतिन कई बार हिंदुस्तान आ चुके हैं लेकिन आज तक पाकिस्तान एक बार भी नहीं गए। ईंधन और ऊर्जा के क्षेत्र में रूस आज हिंदुस्तान का सबसे भरोसेमंद साथी बन चुका है। हिंदुस्तान के लिए रूस से दोस्ती
चीन और अमेरिका से लेकर पश्चिमी देशों के साथ संतुलन बनाने के काम आता है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि रूस यूरेशियाई भूभाग में तीन प्रमुख शक्तियों में से एक है, इसलिए हिंदुस्तान के महाद्वीपीय हितों के लिए सबसे अच्छे संबंध बनाए रखना बेहद जरूरी है। इससे हिंदुस्तान अमेरिका के नेतृत्व वाले पश्चिमी देशों को काबू में रखा जा सकता है। पश्चिमी देशों के दबदबे को कम करने के लिए आज से 15 साल पहले ब्रिक्स का गठन हुआ था और 6 ताकतवर देशों के समूह से शुरू हुआ ब्रिक्स कुछ सालों में ही दुनिया के सबसे ताकतवर संगठन के तौर पर उभरा है और पिछले साल ही ब्रिक्स में 5 नए देश जुड़ गए। अब ब्रिक्स में 10 देश कौन से हैं, ये राष्ट्र की आवाज के जरिए बहुत जरूरी हो गया था। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यूक्रेन जंग को शुरू हुए 3 साल होने वाले हैं। रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद से अमेरिका और पश्चिमी देश रूस को अलग अलग करने के तरीकों को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले साल साउथ अफ्रीका में हुए ब्रिक्स के 15वें सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति पुतिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे, तब उनके साउथ अफ्रीका न जाने की वजह अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट से गिरफ्तारी के वारंट को बताया गया था। लेकिन इस बार रूस में हुए ब्रिक्स सम्मेलन में राष्ट्रपति पुतिन ने महाजुटान कर पश्चिमी देशों को कड़ा संदेश देने की कोशिश की। ग्लोबल साउथ की बड़ी ताकत हिंदुस्तान, चीन, यूएई और ईरान समेत दर्जनों देशों के नेताओं के साथ पुतिन की बैठक थी और इस समिट से पुतिन की कोशिश रही है कि विकासशील देशों को पश्चिमी वर्चस्व से बाहर निकाला जाए और इसमें वो काफी हद तक इसमें कामयाब हो गए। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति पुतिन इस संगठन के देशों को अपनी अपनी करेंसी में कारोबार पर जोर दिया है और दावा यह किया जा रहा है कि इशारा ब्रिक्स की अपनी करेंसी कायम करने की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ब्रिक्स समिट के दौरान दूसरे दिन संबोधित किया था। ब्रिक्स नए स्वरूप में विश्व की 40% मानवता, 30% इकोनॉमी का प्रतिनिधित्व करता है और पिछले 2 दशक इस संगठन ने अनेक कामयाबी हासिल की है। मैं आपको ब्रिक्स के दिए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 बड़े संदेश क्या हैं, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाना बताना चाहता हूं। पहला संदेश, भारत जंग नहीं चाहता, कूटनीति और बातचीत का समर्थन करता है। यूपीआई भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है। ब्रिक्स देशों के साथ यूपीआई सिस्टम शेयर करने के लिए तैयार है। मिशन लाइफ एक पेड़ मां के नाम से जुड़ने के लिए ब्रिक्स देशों को आमंत्रित करता हूं। डिजिटल हेल्थ में भारत को कामयाब अनुभव प्राप्त है, हमें ब्रिक्स देशों के से इसे शेयर करने में खुशी होगी और ब्रिक्स वैश्विक चुनौतियों के लिए प्रभावी माध्यम बनकर उभरेगा। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि ब्रिक्स दुनिया के 5 प्रमुख भारतीय अर्थव्यवस्थाओं के एक संगठन का नाम है। ब्रिक्स की स्थापना जून 2006 में हुई थी और इससे पहले 4 देश ब्राजील, रूस, भारत और चीन शामिल थे जिससे इसका नाम ब्रिक्स पड़ा था। लेकिन साल 2010 में इस संगठन में साउथ अफ्रीका का शामिल होना, उसके बाद संगठन का नाम बदल गया, ये ब्रिक्स से बदलकर ब्रिक्स हो गया और अब इस संगठन में 5 और नए सदस्य जुड़ चुके हैं। इसमें इजिप्ट भी है, इथियोपिया है, ईरान है, सऊदी अरब से लेकर यूएई अमीरात तक का नाम शामिल है। कई और देश इससे जुड़ने की इच्छा जता चुके हैं और पिछले कुछ सालों में ब्रिक्स दुनिया के सबसे ताकतवर संगठन के तौर पर उभरा है। ब्रिक्स देशों की GDP G7 देशों से भी दुगनी से ज्यादा है। G7 दुनिया की 7 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का संगठन है जिसमें अमेरिका, यूके, जापान, इटली, जर्मनी, फ्रांस और कनाडा शामिल है। अब सवाल यह है कि G7 के मुकाबले ब्रिक्स कितना ताकतवर है, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो भी दिखाना चाहता हूं।
दुनिया के 9 सबसे बड़े तेल उत्पादकों में से 6 ब्रिक्स के सदस्य हैं। इसमें सऊदी अरब है, रूस है, चीन, ब्राजील, ईरान और यूएई है। इसका मतलब यह हुआ कि तेल मार्केट पर ब्रिक्स का दबदबा है और दुनिया का 43% से ज्यादा तेल का उत्पादन इन्हीं देशों में होता है। ब्रिक्स देशों का आर्थिक प्रभाव भी बढ़ रहा है। 1992 में ग्लोबल जीडीपी में G7 देशों की हिस्सेदारी 45.5% की थी, जबकि ब्रिक्स के देशों का हिस्सा 16.7% का था। लेकिन 2023 तक G7 की हिस्सेदारी 29.3% और ब्रिक्स के सदस्यों की हिस्सेदारी 37.4% हो गई। आबादी में ब्रिक्स का योगदान करीब 43% है, जबकि क्षेत्रफल के आधार पर देखें तो ब्रिक्स की हिस्सेदारी दुनिया में 30% की है। राष्ट्र की आवाज के जरिए एक बार फिर से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए मोदी ने ब्रिक्स सम्मेलन को लेकर और क्या कुछ कहा है। सुनिश्चित करने पर प्राथमिकता रहनी चाहिए। फ्रेंड्स, नए स्वरूप में ब्रिक्स $30 ट्रिलियन से भी ज्यादा बड़ी इकोनॉमी है। हमारे आर्थिक सहयोग को बढ़ाने में ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल और ब्रिक्स विमेन बिजनेस अलायंस की विशेष भूमिका रही है। इस वर्ष ब्रिक्स के अंदर WTO रिफॉर्म्स, ट्रेड फैसिलिटेशन इन एग्रीकल्चर, रेजिलियंट सप्लाई चेन्स, ई कॉमर्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन को लेकर जो सहमति बनी है उससे हमारे आर्थिक सहयोग को बल मिलेगा। इन सब पहलों के बीच हमें स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्री के हितों पर भी फोकस करना चाहिए। मुझे खुशी है कि 2021 में भारत की अध्यक्षता के दौरान प्रस्तावित ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम इस वर्ष लॉन्च किया जाएगा। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जंग के इस दौर में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन पुतिन के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है, क्योंकि इस सम्मेलन के जरिए पुतिन ने यह संदेश देने की कोशिश की कि रूस पश्चिमी देशों की लाइन से हटकर खड़े रह सकता है और ऐसा ही इसमें शामिल और देश भी कर सकते हैं। ब्रिक्स सम्मेलन का सबसे अहम और बड़ा मुद्दा इस वक्त ब्रिक्स करेंसी बनी हुई है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का कहना है कि अमरीकी डॉलर या यूरो की जगह दूसरे मोड ऑफ पेमेंट इस्तेमाल करने से आर्थिक विकास को राजनीति से मुक्त करने में मदद मिलेगी। मैं आपको विदेश मामलों के जानकार रोविन सचदेवा को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए ब्रिक्स को लेकर वो क्या कुछ कह रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले तो ये इंडिकेट करा कि ये दुनिया है, ये नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट में बट नहीं रही है, परंतु ये एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बन रही है। तो इस मल्टीपोलर का आप एक मॉडल देख सकते हैं, एक अंदाजा कि जैसे हर देश एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये एक मैट्रिक्स है, ये नया वर्ल्ड मैट्रिक्स बन रहा है। तो प्रधानमंत्री ने सबसे अहम तो बात यह कही कि कोई आपस में सब बटे हुए नहीं है, हम सब इंटरकनेक्टेड हैं। सेकेंडली, इस स्पीच में मुझे एक चीज और अहम दिखी जो उन्होंने बात करी, ऑफ कोर्स की ब्रिक्स की यू नो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ कितनी है, टोटल न्यू डेवलपमेंट बैंक जो बना है ब्रिक्स का, उसने करीब $45 बिलियन के यू नो इन्वेस्टमेंट्स लोन दिए हैं। परंतु एक चीज अहम जो प्राइम मिनिस्टर ने कही, वो चल भी रही है कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए सहूलियत हो और हमारा UPI, ये एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि देखिए, स्विफ्ट का जो फाइनेंशियल नेटवर्क है जो दुनिया में चलता है, जो अमेरिका डोमिनेटेड है, जब कोई भी सैंक्शंस होती हैं किसी देश पे तो अमेरिका वो स्विफ्ट को स्विच ऑफ कर देता है। अब ऐसे में दुनिया के देश ये रियलाइज कर रहे हैं, हम भी, कि एक पेमेंट सिस्टम हो जो कि किसी के भरोसे एक ही के डिपेंडेंसी में ना रहे। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इंटरनेशनल लेवल पर हुई हाल ही की घटनाओं को अगर देखें तो दुनिया दो धरों में बढ़ गई है। इसमें एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ रूस है और चीन है। ऐसे में हिंदुस्तान दोनों की तरफ से देशों के साथ बराबरी का रिश्ता रखता है। तभी हल ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर भारत की शाख लगातार बढ़ती जा रही है
और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेहतरीन कूटनीति का नतीजा है। इसीलिए हिंदुस्तान दोनों गुटों में अपनी बराबरी की हिस्सेदारी बहुत शानदार तरीके से निभा रहा है और ये किसी देश को आगे ले जाने के लिए एक बहुत बड़ी नजीर साबित होगी। तेथी राष्ट्र की आवाज, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।